लाइट बंद होगा क्या? ये मिस्टर मिस एंड मिसेस नॉर्थ इंडिया 2022 एंड काशी रत्ना अवार्ड है और बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हैं। मैं आकाश गहरवार यहाँ पे सभी लोग को जज करने आया हूँ। मेरे साथ उमंग शाबान और ऐश्वर्या भी है। तो कंटेस्टेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ही उत्सुकता है। अब देखिए कैसे ये लोग परफॉर्म करते हैं, इनकी मेहनत पे ही सब डिपेंड करता है। एंड आई होप कि ये लोग अच्छा करें, आगे बढ़ें, बहुत आगे जाएं। इस लाइन में जो भी यूथ आ रहे हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा यंगस्टर्स के लिए कि बहुत मेहनत है, सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और अगर आपने मेहनत में कहीं भी चूक की तो आपको वो अचीवमेंट, वो मुकाम आपको नहीं मिल पाएगा, या आप कहीं ना कहीं कम रह जाओगे। तो आपको अपनी मेहनत पे पूरा फोकस करना है, खुद पे वर्क करना है, खुद की लैंग्वेज पे, पर्सनालिटी पे, बॉडी पे, फिजिक पे, नज़र आने पे। दिखेगा वही बिकेगा। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो अचीव कर पाओगे जो आपके पेरेंट्स से आपको उम्मीद है या जो खुद से आपको अपने लिए उम्मीद है। ये मिस्टर मिस मिसेस नॉर्थ इंडिया हो रहा है, जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया और जगह से हो रहा है और बहुत बहुत दूर से कंटेस्टेंट आए हैं। मॉडलिंग का इवेंट हो रहा है बेसिकली ये यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, इंट्रोडक्शन देखा जा रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं लोग, इस तरह की इवेंट हो रही है। और यहाँ पे बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन भी होने वाला है, काशी रत्न अवार्ड, जो कि फाइनल में आ रहे हैं। साहिल खान आ रहे हैं और आहना शर्मा आ रही हैं फिनाले जज के लिए। और अभी ऑडिशन में हमारे आए हैं आकाश गहरवार सर, जो कि गोविंदा सर के भाई लगते हैं, बुआ के लड़के उनके हैं। कितने आज कंटेस्टेंट अप्रॉक्स आए हैं, 70 से 80 के करीब आ गए हैं। और अभी ओवरऑल अभी बहुत जगह लेने हैं हमें, जौनपुर में लेने हैं ऑडिशंस, और उत्तराखंड में लेने हैं हमें ऑडिशंस, इलाहाबाद में लेने हैं, लखनऊ में लेने हैं, ऑल ओवर सिटीज़ में लेने हैं। तो जगह जगह से बहुत कंटेस्टेंट्स अभी आएंगे। ये मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया हो रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज यहाँ पे जो लोग आए दे आर सो इंस्पायर्ड और यूथ है। इनफैक्ट मैरिड एंड वर्किंग वुमेन को भी ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बनारस में। सो आई थिंक दिस इज़ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक बनारस भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है एंड इसकी वजह से ग्लैमर वर्ल्ड में भी एंट्रीज मिलना बहुत यू नो ईजी हो जाएगा हमारे वाराणसी सिटीजन्स के लिए भी। आई एम रियली एक्साइटेड। जो इस लाइन में उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस लाइक जो हैं हमारी यहाँ वेमेन, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम और वट एवर आई हैव डन इट ऑन माई ओन। मैं भी सेल्फ मेड हूँ, मैं फैशन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ और आई थिंक जब मैं अपने ऊपर विश्वास रखकर जो चीज़ अचीव कर सकती हूँ सो आई थिंक कोई भी कर सकता है। इट जस्ट कि बनारस में थोड़ा प्लेटफॉर्म की कमी थी पहले, जिसकी वजह से मुझे भी ब्लूम होने में थोड़ा टाइम लगा। बट आई थिंक नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड मुझे देखकर लोग और भी इंस्पायर हो सकते हैं, यहाँ के लोग जो लोकलाइट्स हैं, कि वो भी यू नो खुद से इनिशिएटिव ले और अच्छा करे और बनारस का नाम रोशन करे। फॉर श्योर।